गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांटिंग इन्फॉर्मेशन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस ये हमारा पैकेज आया है organicbazaar.net से, हमने सीड्स ऑर्डर किए थे तो वो आ चुके हैं। तो हमने इसे पैकेट को पहले ही खोल लिया है, तो अब मैं आपको इसे दिखाने वाली हूँ कि इसमें कौन कौन से सीड्स हमने ऑर्डर किए थे और उनका क्या क्या प्राइस है। तो गाइस ये अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये 8-7 दिन के अंदर मिल जाते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये चेरी टमाटो का सीड्स है, मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी। पहले आपको इस तरह से पैकिंग देते हैं, फिर इसके अंदर भी आपको एक पैकिंग मिलती है, ये इस टाइप से छोटा सा पाउच मिलता है ये। और ये चेरी टमाटो है रेड वाले, इसका प्राइस है 149 रुपीज़ और इसमें हमें 20 सीड्स मिले हैं। तो ये देखिए गाइस इस तरह के सीड्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब दूसरा पैकेट मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और गाइस ये है अगला पैकेट, ये कैप्सिकम है। कैप्सिकम हमारी पड़ी है 80 रुपीज़ की और इसमें 30 सीड्स हमें मिले हैं। ये देखिए इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही पैकिंग है और सीड्स, ये देखिए सीड्स इस तरह से हमें इसमें मिले हैं, 30 सीड्स हैं और भी इसके अंदर, इसमें 30 सीड्स हमें मिले हैं। तो दूसरा पैकेट ओपन करते हैं। ये कैरेट है इसका, ये देखिए इस पे इन्होंने ज़्यादा प्राइस लिखे हुए हैं लेकिन हमें इससे बहुत कम प्राइस में मिला है। ये कैरेट है 60 रुपीज़ की है और इसमें 100 सीड्स हमें मिले हैं। तो ये देखिए गाइज ये इसमें 100 सीड हैं कैरेट के। ये बरसात की गाजर है जो आप बरसात में लगा सकते हैं, इस तरह के इसमें हमें सीड्स मिले हैं, 100 सीड्स है इसमें 60 रुपीज़ के। और अगला पैकेट है ये ब्रिंजल का, जो कि लॉन्ग ब्रिंजल है और इसे भी हम ओपन कर लेते हैं ऐसे। तो ये देखिए इसके अंदर भी इस तरह से एक पाउच है। ये सारे सीड्स हमने लगा भी दिए हैं तो मैं आपको उनको दिखाऊंगी भी हमने किस तरह से लगाए हैं और उसका अपडेट भी आपको दूंगी। तो ये देखिए ये ब्रिंजल के सीड्स हैं, लॉन्ग ब्रिंजल है ये। तो अब चलिए दूसरा पैकेट ओपन कर लेते हैं। ये है चेरी टमाटो, वो रेड वाला चेरी टमाटो था, ये येल्लो वाला है। तो गाइस मैं आपको जो मैंने आपको पहले ब्रिंजल दिखाया इसका मैं प्राइस बता दूं, तो ये हमारा 50 रुपीज़ का है ब्रिंजल और इसमें हमें 30 सीड्स मिले हैं। और ये चेरी टमाटो है येलो, ये हमें पड़ा है 50 रुपीज़ का और इसमें हमें 50 सीड्स ही मिले हैं। 50 रुपीज़ का ये पड़ा है और 50 सीड्स ही मिले हैं। और जो रेड वाला टमाटो था उसमें हमें कम सीड्स मिले हैं। तो इसके सीड्स में मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से हैं चेरी टमाटर, येलो चेरी टमाटर जो बेल में लगते हैं, ये इस तरह से इसके सीड्स हैं। और अगला पैकेट है गाइस कुकुम्बर का, ये कुकुम्बर है, कुकुम्बर भी हमें 60 रुपीज़ में मिला है और इसके 10 बीज हमें मिले हैं। चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। कुकुम्बर में हमें 10 सीड्स मिले हैं, आधे हमने लगा दिए हैं और आधे इसमें हैं, 3 सीड्स बचे हैं और बाकी लगा दिए हैं। लगे हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने लगाए हैं। और अगला जो पैकेट है वो है बीटरूट भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बीटरूट है हमारा 50 रुपीज़ का और इसमें 200 सीड्स हमें मिल गए हैं। तो ये देखिए 200 सीड्स मिले हैं और ये इस तरह से है, ये ब्लू इन्होंने दवाई लगाई हुई है, 200 सीड्स हमें इसमें मिले हैं बीटरूट के। अभी हमने बीटरूट नहीं लगाया है। और ये लेटुस है, लेटुस 6 तरह का मिक्स है इसमें, ये हमें पड़ा है 70 रुपीज़ का और इसमें 300 सीड्स मिले हैं। ये देखिए गाइस इस तरह से लेटुस के सीड्स हमें मिले हैं, 300 सीड्स हैं, ये 70 रुपीज़ के पड़े हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए ये है हमारे सारे सीड्स, ये हमने लगा दिए हैं। तो अभी तो मुझे याद नहीं है कि कौन से पॉट में कौन सा लगाया, अब तो जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो मैं गाइस मैं इन पे नाम लिखना भूल गई, तो जब ये जर्मिनेट होंगे तब
पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ के सीड्स हैं। तो ये जो है इस तरह से हमने इस पे ये मल्चिंग कर दी है ताकि जो इसकी मिट्टी है वो सूखे ना। अगर आपके पास कोई सीड्स लगाने के लिए या फिर ऐसे पॉट्स नहीं हैं तो आप इस तरह के थर्मोकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये पॉट थे, ऐसे पॉट आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे कहीं भी आपको मिल जाएंगे ईजिली। तो ये देखिए, ये इसमें हमने खीरे भी लगाए हैं और कैप्सिकम भी है, लेटस भी है एंड और बीट रूट नहीं लगाया अभी हमने, ना ही कैरेट लगाया, और चेरी टमाटर भी हमने लगा दिए हैं। तो गाइस मैं आपको इसका प्राइस बताऊं पूरे पैकेट का, इस पूरे पैकेट का टोटल प्राइस है गाइस 687 रुपीज़ का ये पूरा पैकेट है। और ये अमेज़ोन कोरियर वाले ही डिलीवर करते हैं, तो आप organicbazaar.net से सीड्स ख़रीद सकते हैं। तो अब हम इनका अपडेट देखते हैं 10 दिन बाद का, अब हम इनका अपडेट देखते हैं कि किस तरह से ये सीड्स उगेंगे भी या नहीं। तो गाइज मिलते हैं, तो गाइज मिलते हैं 10 दिनों बाद, देखते हैं इन सीड्स का अपडेट। तो दोस्तों ये है सीड्स का 10 दिन बाद का अपडेट। ये देखिए आप, सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं और हमने और भी लगा दिए थे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस किस चीज़ के जो सीड्स थे वो जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये ब्रिंजल का पौधा है और ये यहाँ पर लेटस हो गया है, ये कुछ रेड है और कुछ ग्रीन है, ये मिक्स सीड्स थे तो ये मिक्स हुए हैं। तो जो अगला है वो है हमारा चेरी टोमेटो। ये देखिए, ये भी हमारे अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं, 3 पौधे हैं ये, ये रेड वाले टोमेटो हैं। और देखिए दोस्तों, ये कैप्सिकम है, कैप्सिकम के दोनों पौधे काफ़ी हेल्थी जो है जर्मिनेट हुए हैं। इसका जर्मिनेशन रेट मैं तो 10 out of 10 देना चाहूँगी। और ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, कैप्सिकम के हमने काफ़ी पौधे लगा दिए थे। ये देखिए कैप्सिकम के ये रे। और देखिए कुकुम्बर है, ये भी टोमेटो, ये भी कुकुम्बर, और ये हमने बोतल में लगाया था टमाटो, चेरी टमाटो, ये भी उगाया है। और ये भी ग्रो हो गए हैं कैप्सिकम के पौधे, वो भी हमारा हो गया है, ये कुकुम्बर का पौधा है। और यहाँ पर भी एक कुकुम्बर है, इसके साइड में ही चेरी टमाटो है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पौधा है ये रेड लेटस है, और ये जो सारे ये ब्रिंजल के पौधे हैं। और इस वाले ग्रो बैग में भी हमने काफ़ी पौधे जो हैं वो टमाटर के लगा दिए थे, जो कि बहुत जल्दी जर्मिनेट हो गए हैं। ये हमने अभी 5-6 दिन पहले लगाए थे और सारे पौधे अच्छे से ग्रो हुए हैं, जर्मिनेट अच्छा है इनका जर्मिनेशन रेट, और बहुत जल्दी जर्मिनेट हो गए हैं ये। तो चलिए अब मैं आपको अपने दूसरे वाले टमाटोज दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हैं ये हमारे येलो टमाटो थे हैं, और ये भी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं सारे। और देखिए कितने सारे पौधे हैं और काफ़ी हेल्दी पौधे हैं सारे। तो अगर आप भी ऑर्गेनिक बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, वहाँ बीज जो सीड्स हैं आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको और सीड्स दिखाऊँगी, वो भी हमने लगाए हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसे पॉट्स ना हो तो आप इस तरह की बॉटल्स में आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो इस तरह की बॉटल्स आती हैं, आप इसमें भी अपने सीड्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से सीडलिंग ट्रे भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने और भी सीड्स जो हैं दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हैं वो सीड्स जो कि हमने अभी लगाया है, इन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं लगाए हुए। और देखिए, ये सारे जो सीड्स हैं वो कैप्सिकम के सीड्स हैं, और ये भी बहुत जल्दी जर्मिनेट हो गए हैं, और अभी तो कुछ हो भी रहे हैं, ये देखिए जर्मिनेट हो रहे हैं अभी तो। और अगर ये तो हमने, ये रियल जूस आता है इस तरह से, सभी में हमने लगा रखा है। और ये ग्रो बैग्स है, इसे भी आप घर पे इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, अभी तो आधे जो है सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए नहीं है, काफ़ी हेल्दी पौधे निकलते हैं, ये देखिए। और अभी हमने इसमें से ऑर्गेनिक बाज़ार के सीड्स में से
बस यही पौधे लगाए थे। और जो हमारा लेटुस है, लेटुस में से हमने और भी जो लेटुस के जो प्लांट्स थे उसमें से हमने निकाल के लगा दिए हैं आधे पौधे, और वो अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है उनकी, तो उन्हें भी मैं आपको दिखाऊंगी वो किस तरह से हो रहे हैं हमारे लेटुस के पौधे। तो चलिए देख लेते हैं उन्हें। दोस्तों ये हैं वे लेटुस के पौधे जो कि हमने लगा दिए हैं, और इसमें तो अब दो दो लीव्स जो हैं वो निकलने भी लग गई हैं, और ये भी ये तो हमने कल ही लगाया है। तो दोस्तों अगर आप भी सीड्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये जर्मिनेट नहीं होते, ये सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। बस अब इनका रिज़ल्ट की बारी है कि अब इनका रिज़ल्ट कैसा होगा, तो रिज़ल्ट का भी जो अपडेट है मैं आपको दूंगी। अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर इन्हें बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।